उत्तर प्रदेश के बलिया से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहां 26 जनवरी को 568 जोड़ों की शादी का आयोजन किया गया, लेकिन आधे से ज्यादा दुल्हनों की शादी बिना दूल्हे के ही करा दी गई और जो कुछ दूल्हे मौके पर थे वो भी सिर्फ फोटो सेशन के लिए किराए पर लाए गए थे। मामला सामने आने के बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया, क्योंकि यहां आरोप नहीं बल्कि इस पूरे फर्जीवाड़े का वीडियो सामने आ गया है। इसके साथ ही कई ऐसे चश्मदीद सामने आए हैं जो सामूहिक विवाह देखने गए थे, पर उन्हें रुपयों का लालच देकर मंडप पर ही बैठा दिया गया। देखने के लिए गए थे। कहाँ? क्या देखने? शादी होता है। हाँ। फिर क्या हुआ वहाँ? वहाँ पे दो तीन लोग हमको बढ़िया ही बैठा दिया, तो मैं बैठ गया। किस लिए बैठा दिया? जबरदस्ती ऐसे ही बैठा दिया था। क्या कह बैठ गया था? क्या कहे लो आपको? बोले थे कि 2-3 हजार रुपया देंगे, बढ़ जाओ। किस लिए? शादी के लिए। शादी के लिए तो आप बैठ गए वहाँ। फिर क्या हुआ? वहाँ से मैं चला गया उठकर। कहाँ चले गए? देखने के लिए। तो क्या दूल्हा बना के बैठे थे कि कैसे बैठे? नहीं, ऐसा ही बैठे थे। नहीं देखा जाए, टोपी भी लगा कर बैठे हैं, माला भी पहने हैं। फोटो खींचे थे, माला दूसरा था, टोपी लगा के बैठे थे। सुना आपने, युवक ने साफ साफ कहा कि पैसे दिए थे इसलिए फोटो खिंचवाने के लिए बैठे थे। आप इस वीडियो को ही देख लीजिए, आधे से ज्यादा दुल्हने खुद ही अपने पर बरमाला डालती हुई दिख रही हैं और ये वीडियो अब जमकर वायरल है। मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं, साथ ही 9 के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। उसमें जो है हम लोगों ने सामूहिक विवाह जो ऑनलाइन उन्होंने आवेदन किए थे उनका सत्यापन करा के उनके जोड़ों की शादियाँ करवाई थी। अगले ही दिन एक अखबार में ये खबर छपी कि उसमें कई फर्जीवाड़ा, कई एक लार्ज स्केल पर फर्जीवाड़ा हुआ है। तो हमने तत्काल ही एक 3 मेंबर कमेटी जिसमें समाज कल्याण अधिकारी थे, दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी थे और जिला कृषि अधिकारी थे, उनके माध्यम से हमने सत्यापन कराना स्टार्ट किया। और हमारा निर्देश बिल्कुल क्लियर था कि आप 100% लाभार्थी जितने भी आवेदक करता है सबका सत्यापन उनके ग्राम पंचायतों में जाकर करेंगे। उसके खिलाफ और जो भी संबंधित अपात्र पाए जाते हैं इसमें उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। आप लोग को ये भी हम आपके माध्यम से हम जनता को ये भी सूचित करना चाहते हैं कि हमने जिला समाज कल्याण अधिकारी को ये निर्देशित किया है जिला प्रशासन ने कि जब तक 100% इसकी जांच नहीं हो पाएगी तो जो लाभार्थी जो जोड़ों को पैसा मिलता है, अनुदान की धनराशि मिलती है 35,000 रुपए, वो नहीं दी जाएगी। जब तक 100% हम इसकी जांच नहीं कर लेंगे तब तक नहीं करेंगे। जैसा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत लाभार्थियों को सरकार द्वारा 51,000 रुपए की राशि दी जाती है, लेकिन यहाँ पर तो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा सरेआम किया गया जैसे किसी को कोई डर ही ना हो। खबर तो ये भी है कि इन जोड़ों में कितनों की शादी तो पहले ही हो चुकी थी, तो कितनों को सिर्फ पैसे से फोटो खिंचवाने के लिए बुलाया गया था। वहीं बासडी से बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने कहा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो सही तौर पर नहीं थे और उनके कागज भी सही नहीं थे, ये मुझे आप लोगों के माध्यम से मुझे जानकारी हुई, टीवी चैनल के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, और जिसके लिए फिर मैंने अपने यहाँ के DM और CEO सबसे बात करी है। और जो भी इस पर दोषी होंगे उन पर बाकायदा कार्रवाई होगी, इसका साफ निर्देश है, क्योंकि ये गरीबों के लिए योजना है और इसके साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, कम से कम इस सरकार में तो नहीं बख्शा जाएगा। और ये एक नज़ीर भी बननी चाहिए कि आने वाले दिनों में कोई भी इस तरह की योजना के साथ खिलवाड़ ना कर पाए, इस पर हम लोगों की पूरी नज़र है और मैं खुद किसी को बख्शने वाली हूँ। मामला धीरे धीरे अब तूल पकड़ता जा रहा है। वैसे भी चुनाव नज़दीक है, ऐसे में विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरने की पूरी कोशिश करेगा। अब इस मामले को लेकर सभी की नजरें प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है इस पर टिकी है।